योग दिवस के अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे केंद्र सरकार द्वारा निर्माणाधीन आईआईटी कुटेला भाटा भिलाई के योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को एवं प्रदेश की जनता को योग दिवस की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि आप में से अधिकतर लोग नियमित योग करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, इसलिए इस योग दिवस का मुख्य उद्देश्य आप सभी लोगों को योग के प्रति प्रेरित करना है। उम्मीद है कि आप सभी योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए आईआईटी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को ये सौगात दी। हम छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार ये आईआईटी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया संस्थान है, ये छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है और हम इस प्रांगण में इसलिए आए हैं कि आज हम यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया, स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है और भारत ने इसको नेतृत्व किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको नेतृत्व किया। आज हम 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस के तौर पर मनाता है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, सशक्त होगा। इस भावना के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस की घोषणा करी थी। आज हम सब यहाँ पर इसमें शामिल हुए हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता, आम नागरिक इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मैं सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इससे शरीर तो स्वस्थ रहता ही है और इससे अच्छे विचार आते हैं और फिर से भारत को जगत गुरु बनाने के लिए आगे ले जाएंगे।